देवराणी जिठाण जिठाण आ देवराणी जिठाणी बुद्ध बाड़क है। ये देखो बड़ी की दाल, बड़ी की दाल बन गई। दोनों बड़ी मिक्स है, गांव और शहर वाली बड़ी मिक्स की गई है। बुआरी क्या करनी है ना, बुआरी क्या करनी, तो ये को भड़े माठे जबड़ी में आ रहे एक तो सहाई बड़े इस काम में जुट चुके हैं हल्द्वानी से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, धूप भी आ गई है और देखते रहो पहाड़ की खूबसूरत लाइफ स्टाइल। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। सो वीडियो में बने रहो, लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू। सुबह सुबह का टाइम, नए दिन के साथ नई शुरुआत। हम लोग लग गए हैं फिर से अपने कामों में। पापा हैं रुद्रांश के साथ, पापा लगे हैं। अम्मा कर रही है लिंगोड़े को साफ, कल लिंगोड़े तोड़ के लेके आए हम लोड़। ये देखिए तो इसकी सब्जी होने लग गई है पहाड़ों में। अब खदेरों में होता है ये, पानी वाली जगहों में। तो इसको साफ कर रही है अम्मा और रुद्रांश देख रहा है, नहीं सॉरी प्रियांशु देख रहा है भैंसों को। क्या हो गया, खाना कौन नहीं खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है चारा, दोनों नहीं खा रहे। और इधर वाली में कर रही है भाभी सफाई, इसमें कर रही राधा, क्योंकि आज है गंगा दशहरा तो उसके लिए सफाई चली हुई है। थोड़ी देर में नहा धो के गंगा दशहरा लगाया जाएगा। और मम्मी गई है घास काटने के लिए ऊपर की साइड। और मौसम की बात करें तो आज देखो पूरे बादल हैं आसमान में। हल्दर की लिपाई में लगी हैं भाभी, इस वाले कमरे की लिपाई पूरी कर दी है। अब बारी है इस वाले कमरे की करने की। गुड, लगे रहो लगे रहो। ये देखिए ऐसी गोबर, गाय का गोबर और लाल मिट्टी से लिपाई की जा रही है। इसके बाद इसमें फूल डाले जाएंगे दीदी में। उसके बाद आज मम्मी गई है घास काटने के लिए पूरी। बुढ़ बैठी रहे है, बुढ़ बैठी रहे, बुढ़ बैठी रहे। बाहर लगा गदूर वाट तो कौन है, देवराणी देवराणी वाट जिठाण जिठाण देवराणी वाल बात की लगा। आज देवराणी जिठाणी बुद्ध बाड़क है, वो रोटी बना रही है। तुम्हें लिपाई करनी है, लिपाई करनी है। इस गए मम्मी सास घाय घाक काटने के लिए गई है। सास तो अल्लाह फिर ना सीखला तो पूरी फिर ये डांस सीख रहे। परसों को फिर से बारात आने वाली हमारे गांव में शादी है, उस दिन डांस सीखना है इन्होंने। अभी बना रही यहाँ पे रोटियां। यही होते हैं गंगा दशहरा द्वारपत्र, जिनको अपने दिवाली के ऊपर और मंदिरों में चिपकाते हैं, लगाते हैं। तो उसके लिए हमने लेप भी बना दी है आटे की। और अभी पापा कर रहे हैं अंदर पूजा पाठ, उसके बाद इसको सब चिपकाएंगे। ठीक है प्रियांशु। ये लगा दिया है द्वार के ऊपर दशहरा, अब लगा रहे इस वाले कमरे में, सब में लगता है। तो गंगा दशहरा था आज, तैयार था, हमने नाश्ता भी कर लिया है।
नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद देखो धूप कितनी तेज आ रखी है, धीरे धीरे करके धूप बढ़ने लग गई है और हल्के से बादल भी हैं और हम लोग बैठे हैं पीछे। आजकल दो तीन दिन से हमारा यही काम चल रहा है पीछे की साइड, क्योंकि यहाँ पे छाया रहती है, यहाँ बैठते हैं और यहाँ से सीधे देखते हैं जेसीबी। सामने रोड बन रही है ना, ये वाली रोड बन रही है, ये देखो यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी देख रहे हैं पूरी चुपड़ा गांव को धूलने भर गई धूल से, देखो इतनी धूल उड़ रही है वहां पे। और इससे उस साइड को चुपड़ा गांव है, रोड यहाँ को आने वाले सामने, हमारे घर के आगे भी रोड, हमारे घर के पीछे भी रोड। दिन का टाइम हो रहा है अभी 12 बजे हुए हैं, बहुत तेज धूप लग रही है और बारिश की उम्मीद कहीं नहीं दिखाई दे रही है आज, और बादल हल्के से दिखाई दे रहे हैं पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, मतलब 35 डिग्री तक पहुँच ही गया होगा यहाँ की। और पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तार भड़ा रहे हैं, ये इधर बन रहा है खाना, क्या बन रहा है खाने में, जला बना। ये देखो बड़ी की दाल, बड़ी की दाल बन रही है, दोनों बड़ी मिक्स है, गांव और शहर वाली बड़ी मिक्स की गई है ये घर की है, ये शहर की है। और ये क्या है, ये मसाले घोल के लाई है राधा, इसमें टमाटर हो गया है, पता नहीं कैसा खाना बनता है आज। वाह वाह, बनाओ। सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी पर दिन में बहुत तेज धूप हुई थी, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे हुए हैं, अभी भी हल्के से बादल हैं पर धूप बहुत तेज है। और हम लोग सब लगे हैं आज 2 बजे से खाना खाने के बाद अंदर गए हैं, अंदर देख रहे हैं शादी की वीडियोस। ये देखो हम आपको भी यहाँ चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये सब देखने में लगे हैं, अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं शादी के दिन की क्या कोना है वही बाबू मम्मी हो कोना तुम बल्लों ढिगान को सुखा दियो घर लगा दियो तुम नहक रखा नंद घा पात क्या नहीं कहता और आप नतीजा बढ़ो बलदन गला बढ़ो ना उन्हें मैं क्या करूँ को मैं थोड़ा नाम निकालू उन्हें और मैं गुर्जो खाऊ ना रही उन्होंने गुर्जे खाने समय मैंने कहा तो साला बीमार है रोल का क्या तू लो बबोरी दिल बानो साल का तर तर के डालने अब क्या कहना है मम्मी तो सुनने भाई इन सुख जानने हगन मैं ना गाड़ दी थप आपने गाड़ ला 10 गाड़ी तो मम्मी दिखा तू किला डरना आप है मैंने डरनी है मैं सामने आप ही करूं तू डरने भी आप शान देख बे मैं ता रहा हूं मैंने ता दा टोड़ियाल की तो मुन लगा दी मैं छोड़ देने गई वही क्या नहीं भाई बोल दे बड़ा तो हाल लगा ली कोड़ी जाल जा रहा तो राधा गाड़े थनक बाण कर दिनु क्या बुआरी क्या करनी तुम्हारे बुआरी क्या करनी है ना बुआरी क्या गाड़ी तो ये को भड़े मशे जबड़ी में आ रहे एक तो सहा ही बड़े और ये थोड़ा मेन गार्डन में था यार तो बुआरी ले नगाड़ना मैं क्या करूँ तो नहीं खाना पीना खाने के बाद हम लोग सोने के बाद थोड़ी देर फिर से लग गए एक नए काम में, आज धान कूटे जा रहे हैं लाल चावल,
मतलब ये धान है हमारे खेतों के, इनको कूट के इनके चावल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि खीर बनती है, इसकी खीर बनाएंगे। इस काम में जुट चुके हैं हल्द्वानी से लालों के लाल महालाल हमारी हमारी प्यारी सी छोटी सी भाभी जी, ये देखो स्पेशल इस काम के लिए बुलाए गए हैं हल्द्वानी से घर। अब वही इन हमको खीर खो घर चुंगो बड़ोन में कदु मेहनत से आल पत्ता चलोल ने पैन्य पत्ते भे आई धान बीन बा उनमें ईट खालन बा फिर गोड़न बा फिर रोपन बा फिर काटन बा नाम फिर चुटन बा फिर सिमरन बा फटकन बा सुधारन बा उबाज जाबेर ओहो में कुटन बा फिर फटकन 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 बा खाल लगा दी घर आबेर हमको चंगो दियो धान खराब तरह लाला बड़बेर आर्या खराब लड़के साय तनु चिन्नान ने कुटाओ खो हार गई कहे मम्मी लखा कहे मम्मी काट मैं मम्मी लो खा घेड़ गरम पानी घिनो ये मत।